दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स कैन को और दबाए उस बेल आइकन को ताकि आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज मिले सबसे पहले। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के 5 प्लेयर के बारे में जो कि अपने दम पर T20 सीरीज जिताएंगे न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो प्लीज वीडियो को हमेशा की तरह जोर देखें। अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम भी T20 सीरीज जीत जाए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम इंडिया के प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम निकल के आता है, वो है टीम इंडिया के कप्तान और शानदार बल्लेबाज रोहित शर्मा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि रोहित शर्मा का बल्ला ODI सीरीज में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चला था, इसलिए वो चाहेंगे कि T20 सीरीज में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करे। दोस्तों, वहीं बात करें रोहित शर्मा के T20 इंटरनेशनल करियर के बारे में, तो दोस्तों उन्होंने अब तक 90 मुकाबले खेले जिसमें उन्होंने 32 की औसत से 2,237 रन बनाए हैं। और वहीं बात करें उनके स्ट्राइक रेट के बारे में, तो उनका स्ट्राइक रेट है 138। और वहीं बात के शतक के बारे में, तो उन्होंने अपनी टीम के लिए अब तक 4 शतक लगा चुके हैं जबकि 15 अर्धशतक अपनी टीम के लिए बनाए हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है, वो है फॉर्मर इंडियन कैप्टन और शानदार बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी। जैसे कि आप लोग जानते हो कि महेंद्र सिंह धोनी का भी बल्ला न्यूजीलैंड की ODI सीरीज में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं चला था, तो वो भी चाहेंगे कि अपनी टीम के लिए T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करें। दोस्तों, वहीं बात के महेंद्र सिंह धोनी की T20 करियर के बारे में, तो दोस्तों उन्होंने अब तक अपने करियर में 93 मुकाबले खेले जिसमें उन्हें 37 की औसत से 1,487 रन बनाए हैं जिसमें उन्होंने 250 अपनी टीम के लिए बनाए हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर नाम निकल के आता है, वो है विकेट कीपर और शानदार बल्लेबाज ऋषभ पंत। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ऋषभ पंत को ODI सीरीज में आराम दिया गया था, तो वो भी चाहेंगे कि T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करें और अपनी टीम के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, वहीं चौथे नंबर पर नाम आता है, वो है चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव। जैसे कि आप लोग जानते हो कि कुलदीप यादव ने ODI सीरीज में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करा था, तो वो भी चाहेंगे कि T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करें और अपनी टीम को T20 सीरीज भी जिता दें। दोस्तों, वहीं बात के कुलदीप यादव के T20 करियर के बारे में, तो दोस्तों उन्होंने अब तक 17 मुकाबले खेले जिसमें उन्होंने 12 की एवरेज से 33 विकेट लिए हैं जो कि बहुत ही शानदार मानी जाती है। दोस्तों, पाँचवें नंबर पर नाम निकल के आता है, वो है फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हो कि भुवनेश्वर कुमार ने ODI सीरीज में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करा था, तो वो भी चाहेंगे कि T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करें और अपनी टीम को T20 सीरीज भी जिता दें। दोस्तों, वहीं बात के भुवनेश्वर कुमार के T20 करियर के बारे में, तो दोस्तों उन्होंने अब तक 34 मुकाबले खेले जिसमें उन्होंने 24 की औसत से 33 विकेट लिए हैं। दोस्तों, ये 5 प्लेयर होने वाले हैं जो कि मेरे मुताबिक T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करेंगे। अगर आपको कोई और 4 प्लेयर लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।